शहर में आज शाम एक पागल कुत्ते की वजह से अफरा तफरी मच गई। शहर में खुलेआम घूम रहे एक पागल कुत्ते ने 30 से ज्यादा लोगों को काट लिया। वही पागल कुत्ते के आतंक से शहर के कई मोहल्लों से लेकर सदर अस्पताल तक काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। पागल कुत्ते की वजह से जख्मी लोगों में बच्चे, युवक और बुजुर्ग सभी शामिल हैं। जो कुत्ते के काटने का बाद तत्काल सदर अस्पताल के इमरजेंसी पहुंचे और अपना इलाज कराया। कुत्ते के काटने का बाद घायलों को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे लोगों के मुताबिक अचानक पागल कुत्ते ने किसी का हाथ तो किसी को पैर में काट लिया, जिससे सड़क पर अफरा तफरी मच गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक कुत्ते ने कई लोगों को अपना शिकार बना डाला। सदर अस्पताल आने वाले घायलों के घर वालों के मुताबिक शहर के शिवगंज, सपना सिनेमा रोड, धरहरा, शहीद भवन और केजी रोड सहित तमाम जगहों पर पागल कुत्ते ने कई लोगों को काट लिया, जिसके बाद सभी अपना इलाज सदर अस्पताल में करा रहे हैं। के लोग आए हुए हैं, क्या हुआ है मामला, पूरा मामला क्या है? ऐसी जानकारी मिली है कि शहीद भवन से होते हुए महावीर टोला हॉस्पिटल रोड में करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों को कोई पागल कुत्ता काटा है, लेकिन प्रशासन की ओर से इसका कोई बिल करने वाला कोई नहीं है। यहाँ लापरवाही का आलम यह है कि इलाज के लिए लोग तरस रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये व्यवस्था है सदर हॉस्पिटल। कितने मरीज होंगे यहाँ पर? यहाँ मान के चलिए करीब 20 लोग यहाँ हैं। 20 लोग सदर अस्पताल में। इसमें बच्चे बूढ़े कौन, कैसे कैसे लोग शामिल हैं? इसमें बुजुर्ग भी हैं, शामिल है। इसमें बुजुर्ग भी हैं, बच्चा भी है और नौजवान भी है। आपके वार्ड में कितने लोग कुत्ता का आपने शिकार बनाया? 15 लोग आपके वार्ड में सिर्फ। अच्छा, क्या नाम है आपका? नागेंद्र कुमार, वार्ड नंबर 23। अभी क्या हुआ है? अभी दम पूरा शहर पूरा खलबलाया हुआ है। अभी हमने आया तो हमारे बच्चे ड्यूटी से आ रहा था, वो बाबू जी लेकर रोड पर निकला, उसको कुत्ता धर लिया, यहाँ धर लिया, हाथ पर धर लिया, पैर में धर लिया, चारों तरफ धर लिया। देखते देखते ठिकान नहीं, कम से कम 212 आदमी की धर लिया। यहाँ पर माहौल दम बिगड़ा हुआ है, दम लाइन लगा हुआ है आदमी का। पूरे पूरे शहर को मिला दे तो लगभग कितने लोगों को शिकार बना चुका है कुत्ता? अभी तक तो लग रहा है कि कम से कम 60-70 आदमी आ चुके हैं, 50-60 आदमी। अच्छा, भयावह माहौल है एकदम। अभी ट्रीटमेंट का कोई अथी नहीं है, कोई विशेष बढ़िया ढंग से कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, कोई देख रेख नहीं हो रहा है, ना किसी तरह का कोई तरह का आदमी, कोई प्रशासन है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। कहाँ के निवासी हैं? शिवगंज।